हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 27 सितंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके उत्तर आपको नीचे कमेंट में लिखने हैं, और कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको उन प्रश्नों का सही उत्तर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो का PDF भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। आज की करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब मनाया जाता है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 26 सितंबर को हर वर्ष वर्ल्ड मैरिटाइम डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समुद्रीय सुरक्षा, शिपिंग सुरक्षा और समुद्रीय पर्यावरण संरक्षण की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। वर्ष 2019 के लिए विश्व समुद्रीय दिवस का जो थीम रखा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थीम याद रखना है समुद्रीय समुदाय में महिलाओं का सशक्तिकरण। ये जो है यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरिटाइम कम्युनिटी। कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में याद रहे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। दूसरा, यहाँ पर विश्व समुद्रीय दिवस के बारे में यहाँ पर बात की है। अगर आपसे विश्व समुद्रीय दिवस की जगह पर राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर अंतर है, विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा एक कॉमिक बुक सीरीज प्रोफेसर आयुष्मान का अनावरण किया गया है। सो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रोफेसर आयुष्मान नामक एक कॉमिक बुक का अनावरण किया गया है। ये जो बुक है ये बच्चों में औषधीय पौधों और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च की गई है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है वो हैं श्रीपद यशो नाइक, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार है इनके पास आयुष राज्य मंत्रालय का। तो मैंने आपको स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये सभी कुछ बता रखी हैं। कोशिश करूंगा कि आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक दे दूं, तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा कि 5 नवंबर से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कोलकाता में। 5 नवंबर से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। 5 नवंबर से 8 नवंबर तक इसका आयोजन होने वाला है, और इस कार्यक्रम के द्वारा युवाओं को विज्ञान सीखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बार जो ये 5वां संस्करण है इसका थीम रखा गया है राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। तो यहाँ पर से जो थीम है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका थीम क्या रखा गया है। आयोजन हो रहा है कोलकाता में और थीम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सितंबर 2019 में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान को 7% से घटाकर कितना कर दिया है। सो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 6.5%। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक की तरफ से वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर अनुमान थी उसको 7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। ओके, सो याद रखिएगा ये लेटेस्ट अपडेट है। इससे पहले भी कई बार जो है एशियाई विकास बैंक ने GDP अनुमान दर घटाया है और बीच में बढ़ाया भी था। तो जब 7% किया था एक बार, जो है यहाँ पर 7% से घटाकर फिर से इसने 6.5% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया प्रमुख बनाया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक या कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो यही होगा, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ठीक है। तो इनका नाम आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, बुल्गेरिया की हैं ये, तो याद रखिएगा इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया प्रबंध निदेशक और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि इनको नया प्रमुख बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये क्रिस्टीन लैगार्ड का स्थान यहाँ पर लेंगी, 1 अक्टूबर से इनकी नियुक्ति हो जाएगी। अगले 5 सालों तक जो है इनको नियुक्त किया गया, अगले 5 सालों के लिए। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसका मुख्यालय है Washington DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी July 1944 में और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य देश शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सितंबर 2019 में किस राज्य में अपुनार अपुन घर योजना की शुरुआत की गई है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि असम में। अभी हाल ही में असम में अपुनार अपुन घर
योजना की शुरुआत की गई है। इसको अपन गृह योजना भी बोला जाता है असम में, ठीक है। तो असम सरकार की ये योजना है, और जिस तरीके से आपको बैंक वगैरह जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी मिल रही थी उसी तरीके की योजना है। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं या फिर अपने घर का निर्माण करवा रहे हैं तो आपको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये तभी प्रदान की जाएगी जब आप लोन ले रहे होंगे। अगर आपने बैंक से 5 लाख से 40 लाख रुपये तक के बीच में लोन लिया है तो आपको 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल जाएगी। सो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि 5 लाख से मान लीजिए 10 लाख के बीच में अगर किसी ने लिया है तो उसको हो सकता है सरकार की तरफ से 10,000 या 50,000 रुपये दे दिए जाएँ। इसी तरीके से 10 से 20 लाख के बीच में जिसने लिया हो उसको सरकार की तरफ से 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में दिया जाए। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने पूरा स्केल बनाया है, उसी के अनुसार जो है ये सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, नया घर बनाने में या नया घर खरीदने पर पहली बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक घर हो आपके पास, दूसरा घर खरीदने पे इस जो ये योजना है इसका लाभ नहीं मिलेगा। असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सितंबर 2019 में वीज़ा ने भारत में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सो अभी हाल ही में वीज़ा ने पीवी सिंधु को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। याद रखिएगा कि वीज़ा 1986 से ओलंपिक खेलों को स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर के रूप में ओलंपिक खेलों का जो है समर्थन कर रहा है वीज़ा, और कई खिलाड़ियों को जो है इसी तरीके का ये ट्रेनिंग वगैरह दिलवा चुका है अपने खर्च पर, ठीक है। तो इस बार जो है पीवी सिंधु को इन्होंने चुना है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। पीवी सिंधु जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं 2020 में, तो उसमें जो है ये वीज़ा एथलीट की सदस्य बन गई हैं पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु को इस वीज़ा की तरफ से, मतलब जो होता है कंपनी है उसकी तरफ से जो है स्पॉन्सर किया जाए। इनका जो खर्च होगा टोटल 2020 टोक्यो ओलंपिक की जो तैयारी के लिए वो सभी खर्च जो है वीज़ा जो है देगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि सितंबर 2019 में किसके द्वारा IBSF वर्ल्ड स्नूकर टीम इवेंट का खिताब अपने नाम किया गया है। सो अभी हाल ही में पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता के द्वारा IBSF वर्ल्ड स्नूकर टीम इवेंट का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता ने थाईलैंड की टीम को हरा कर ये खिताब हासिल किया है। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड स्नूकर टीम इवेंट में का विश्व खिताब किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा कि 26 सितंबर से भारत अमेरिका और डैश के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ। भारत अमेरिका और किस देश के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है। सो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि जापान। 26 सितंबर को भारत अमेरिका और जापान के बीच में जापान के ससेबो शहर में जो कि यहाँ पर एक पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहाँ पर इस मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन शुरू किया गया है। सो हमारे लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि ये जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 26 सितंबर से शुरू हो चुका है भारत अमेरिका और जापान के बीच में ये अभ्यास है। जापान में ही इसका आयोजन किया जा रहा है ससेबो शहर में, ठीक है। त्रिपक्षीय समुदाय अभ्यास का ये 23वां संस्करण है और इसका आयोजन 4 अक्टूबर तक यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया द्वारा जारी अमीरों की सूची में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। अभी हाल ही में हुरून इंडिया की तरफ से भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की गई है, और इसमें महिलाओं में जो शीर्ष स्थान हासिल हुआ है वो हासिल हुआ है रोशनी नाडर को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। रोशनी नाडर SCL कॉरपोरेशन की CEO हैं, और इनकी जो टोटल नेटवर्थ जो इनकी पूरी कह सकते हैं आप तरीके से जो इनके पास पैसा है वो है 36,800 करोड़ रुपए, ठीक है। इतने का जो है मतलब ये जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने की जो है इनके पास संपत्ति है टोटल, ठीक है। नेटवर्थ इनकी 36,800 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे स्थान पे 31,400 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ गोदरेज समुदाय की समूह की स्मिता कृष्णा को दूसरे स्थान पे रखा गया है। और इसी तरीके से रोशनी नाडर की माँ हैं किरण नाडर, इनकी जो संपत्ति है वो है 25,100 करोड़ की, और इनको तीसरा स्थान हासिल हुआ है। तो ये टॉप 3 महिलाएँ हैं जो कि सबसे अमीर हैं भारत की। पुरुषों में आप सभी को पता होगा अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें महिला और पुरुष दोनों को मिला के, तो टॉप 3 में पुरुष ही हैं शामिल, जिसमें कि भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं मुकेश अंबानी, जिनके पास जो टोटल संपत्ति है वो है 3,80,700 करोड़ रुपये। दूसरे स्थान पे SP हिंदुजा एंड फैमिली आती है, जिसके पास टोटल संपत्ति है 1,86,500 करोड़ रुपए। और तीसरे स्थान पे अजीम प्रेमजी का आता है, जिनके पास टोटल संपत्ति है 1,17,100
₹100। ठीक है, सो आपको ये तो याद नहीं रखना है किसके पास कितना पैसा है, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सितंबर 2019 में डैश में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 लॉन्च की गई है। कहाँ पर 112 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की गई है सितंबर माह में? तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि दिल्ली में। दिल्ली में अभी 112 हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। वैसे ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है और पहले से ही कई राज्यों में ये योजना लागू है। ठीक है, 112 जो कि 100, 101 और 102 जो इमरजेंसी नंबर होती है, जिसमें पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस हो गया, तो इन सभी को मिलाकर जो है ये 112 लॉन्च की गई है। अब आपको अलग अलग नंबर पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, 112 पर कॉल करके आप इन सभी आपातकालीन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि सितंबर 2019 में 9वें भारत चीन वित्तीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में। सितंबर 2019 में 9वें भारत चीन वित्तीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये जो वार्ता है ये दोनों देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। ये इस बार जो है 9वां संस्करण था इसका, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना की है। ये जो पुरस्कार है ये किसके नाम पर दिए जाएंगे? ठीक है, आपको ये बताना है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की गई है। ये जो पुरस्कार है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे दिए जाएंगे, तो ये वाला चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर को जब सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है तो उसी दिन जो है इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। तो ये उन लोगों को दिए जाएंगे जिन लोगों ने राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्नों की, जिनके उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। आपके लिए पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ द शेडर्स के लेखक कौन हैं? तो उसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि धवल कुलकर्णी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ द शेडर्स। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ताके हिको नकाओ एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि नरोरा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये पावर प्लांट स्थित है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की, इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने चीन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, इसमें आपको बताना है कि जिस तरीके से महासागर जल से संबंधित है उसी तरीके से हिमनदी से क्या संबंधित है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? या हिरोशिमा, नागासाकी, हांगकांग या टोक्यो में? साथ में ये भी बताइएगा कि कब फेंका गया था, और बम का नाम अगर आपको पता होगा कि नागासाकी या हिरोशिमा या फिर हांगकांग या फिर टोक्यो, जहाँ पर भी बम फेंका गया है वहाँ पर कौन सा बम फेंका गया, उसका कुछ नाम भी था, तो नाम भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।